हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल bensparkle.com में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नेक डिज़ाइंस जो पाइपिंग की सहायता से बनाए गए हैं। पाइपिंग यूज़ करके आप बहुत ही खूबसूरत से नेक डिज़ाइंस बना सकती हैं। पाइपिंग आप मार्केट से खरीद सकती हैं, रेडीमेड वाली जो कि मिलती है आजकल, बहुत आसानी से बना सकती हैं इस तरीके के नेक डिज़ाइंस। या फिर अगर आपको स्टिचिंग आती है और पाइपिंग बनाना आप सीख गई हैं तो फिर आप घर पे ही पाइपिंग बना लें और इस तरीके के नेक डिज़ाइंस ट्राई करें। पाइपिंग के साथ आप कॉम्बिनेशन में पोटली बटन्स का यूज़ करें तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा। इस तरीके के बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पाइपिंग के साथ पोटली बटन के डिज़ाइंस आप ट्राई कर सकती हैं। या फिर सिर्फ एक तरफ बटन डाल लें, या फिर सिर्फ बीच में गले के बीच में बटन भी डाल सकती हैं, या फिर सिर्फ पाइपिंग के पोटली बटन्स ही नहीं, आप डिफरेंट टाइप के बटन्स भी यूज़ कर सकती हैं। या फिर इस तरीके से कटआउट्स डाल के भी आप पाइपिंग के गले बना सकती हैं। ये सारे नेक डिज़ाइंस आप कुर्तीज़ पे ट्राई कर सकती हैं। किसी भी तरीके की कुर्ती आप बना रही हो, प्लेन हो या फिर प्रिंटेड हो, आप उसके साथ पाइपिंग के गले यूज़ करें तो बहुत ही डिफरेंट सा स्ट्राइकिंग सा लुक आएगा। कंट्रास्ट कलर की पाइपिंग यूज़ करें तो बहुत ही डिफरेंट सा अट्रैक्टिव लगेगा आपका पूरा कुर्ती। आप सलवार सूट्स, चूड़ीदार सूट्स, पटियाला सूट्स के साथ भी सारे नेक डिज़ाइंस ट्राई कर सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा। अगर आप सलवार सूट्स के साथ ट्राई कर रही हैं तो फिर जो है बॉटम का फैब्रिक जो आता है, सलवार का फैब्रिक आप यूज़ करें तो फिर कंट्रास्ट लुक बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही वेल पुट टुगेदर लुक आएगा आपका। पाइपिंग के गले की खासियत ये होती है कि आपका नेक डिज़ाइन बहुत ही स्टाइलिश सा बन के तैयार हो जाता है और आपका खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि लेस पे खर्चा हो या फिर एम्बेलिशमेंट स्टोन्स में जो खर्चा आता है वो आपको नहीं करना पड़ता और स्टाइलिश सा लुक आ जाता है जो कि एवरीडे वेयर के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये सारे पाइपिंग के डिज़ाइन आप डेली वेयर के लिए ट्राई कर सकती हैं या फिर ऑफिस वेयर, कॉलेज वेयर के लिए भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो और सिंपल से सूट्स चाहती हो कॉलेज वेयर के लिए, तो फिर इस तरीके के पाइपिंग के डिज़ाइन आप ट्राई कर रहे हैं। इस तरीके का स्वर्ल टाइप डिज़ाइन भी आप ट्राई कर सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही डिफरेंट सा, यूनिक सा, नया सा डिज़ाइन है ये। स्वर्ल पैटर्न में पाइपिंग लगा के फिर बटन्स लगा दिए गए हैं, देखिए बहुत खूबसूरत सा है, आप इसको ट्राई कर सकती हैं। या फिर पाइपिंग लगा के इस तरीके से बीच में पोटली बटन आप डाल सकती हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। या फिर इस तरीके का पैच वर्क जो है सलवार का फैब्रिक डाल के फिर पाइपिंग डालें तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरीके का योक टाइप नेकलाइन दें और फिर बटन्स डालें तो भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत डिफरेंट पैटर्न्स आप ट्राई कर सकती हैं और कंट्रास्ट जो है बहुत ला सकती हैं। इस तरीके का साइड पोटली बटन डिटेलिंग पाइपिंग के साथ भी बहुत खूबसूरत लगेगी। या फिर आप साइड कट कुर्तीज से लाना चाहती हैं तो भी पाइपिंग का यूज़ करें तो फिर साइड कट कुर्तीज आराम से या बहुत स्टाइलिश से बन जाएंगे आपके। अगर आप ऑफिस वेयर के लिए सूट सिलवा रही हैं तो भी इस तरीके के गले जो है बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ही सिंपल, सोबर, सिंपलिस्टिक टाइप ऑफ लुक देंगे जो कि ज़्यादा धड़कते भड़कते नहीं होंगे लेकिन स्टाइलिश भी लगेंगे। इस तरीके का ओवरलैपिंग स्टाइल आप ऑफिस के लिए ट्राई कर सकती हैं, बहुत ही मॉडर्स्ट है और बहुत ही स्टाइलिश भी है। इस तरीके का प्रिंटेड फैब्रिक जो है सलवार का आप साइड में लगा के भी ट्राई कर सकें, या फिर अगर आपकी सलवार प्लेन है तो फिर इस तरीके का डिज़ाइन आप ट्राई कर सकती हैं। ये सारे डिज़ाइंस आप सलवार के साथ ही नहीं, कुर्तीज़ के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। कुर्तीज़ के साथ आपके पास बॉटम का फैब्रिक तो होगा नहीं तो फिर पाइपिंग आप रेडीमेड ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इस तरीके के डिज़ाइंस ट्राई कर सकती हैं। पाइपिंग के साथ कॉम्बिनेशन में आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स या फिर ब्रूचेस का या फिर बूटीज़ का इस्तेमाल करें तो और भी खूबसूरत लगेगा आपका सूट। आप ये सारे नेक डिज़ाइंस जो हैं बहुत ही लेटेस्ट वाले नेक डिज़ाइंस हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ, आप इनको ट्राई करें तो फिर बहुत ही नया लुक आएगा आपका सूट का। आप इन सारे लुक्स को किसी भी लोकेशन में ट्राई कर सकती हैं। अगर आप घर पे ही रहती हैं और आपकी शादी हो गई हो और आप सिंपल से सूट्स घर पे पहनने के लिए सिलवा रही हैं तो भी सारे डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगेंगे। आप कॉलर नेक का डिज़ाइंस भी सिलवा सकती हैं पाइपिंग के साथ। इस तरीके का फ्लैप कॉलर आप ट्राई कर सकती हैं पाइपिंग के साथ, या फिर हाफ कॉलर्स भी आप ट्राई करें, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। कॉलर नेक्स पाइपिंग के साथ बहुत खूबसूरत लगेंगे। पाइपिंग का यूज़ करके आप सिंपल से गले जो होते हैं, जो या फिर राउंड नेक हो या फिर पान का शेप का गला हो, सब खूबसूरत लगने लगते हैं सिर्फ सिंपल सी पाइपिंग डाल के। अगर आपको क्लासिक नेक लाइंस पसंद हो ज़्यादा तो फिर आप पाइपिंग का यूज़ करें। ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं आप करना चाहते तो फिर पाइपिंग यूज़ करना बहुत आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। आप पाइपिंग यूज़ करें और आपके ड्रेसेस को बहुत ही खूबसूरत सा और नया सा प्यारा सा लुक दे सकती हैं। इस तरीके का नेकलाइन जो है बहुत खूबसूरत लगेगा, जो है साइड में एसिमेट्रिक नेकलाइन जिसको कहते हैं, या फिर डोरी का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं।
डोरीज के साथ भी पैकिंग बहुत खूबसूरत लगेगी। इस तरीके की नेकलाइंस के डोरी या फिर इस तरीके का सिंपलिस्टिक नेकलाइंस भी आप ट्राई कर सकती हैं पैचवर्क के साथ, या फिर इस तरीके का फैब्रिक का कॉन्ट्रास्ट देके, या फिर इस तरीके का ट्रायंगुलर पैचेस डाल के भी आप ट्राई करें, बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरीके का हाफ कॉलर देके सिर्फ गले में पाइपिंग डालना भी बहुत पाइपिंग के साथ आप बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेटिव स्टाइल्स ट्राई कर सकती हैं। इस तरीके का डबल लीफ कटआउट डाल के पाइपिंग डालें तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा, ये कुर्तीज पे बहुत अच्छा लगेगा। या फिर इस तरीके के डायमंड कटआउट देके, ये देखिए पिंक कलर का फैब्रिक में बनाया गया है पाइपिंग देके, या फिर इस तरीके का टीयर ड्रॉप साइड में कटआउट डाल के भी बहुत खूबसूरत लगेगा पाइपिंग, या फिर इस तरीके का डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरऑल लुक देगा, बहुत खूबसूरत लगेगा इसका, आप ट्राई कर सकती हैं। बहुत डिफरेंट पैटर्न्स हैं इस वीडियो में, मैं आपके लिए बहुत 120 डिज़ाइंस लेके आई हूँ, आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन चूज करें, अपने टेलर को दिखाएं और ट्राई कर सकती हैं प्लेन कुर्तीज़ के साथ, या फिर प्रिंटेड क्लॉथ लेके उसके साथ भी आप ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप घर पे ही इन डिज़ाइंस को ट्राई करें, पाइपिंग बना लें, फिर इस डिज़ाइंस में से किसी भी डिज़ाइन को ऑप्ट करके आप ट्राई कर सकती हैं। पाइपिंग जो है सिर्फ गले पे ही नहीं, आप स्लीव्स और हेमलाइन में भी लगाएं, दामन में भी लगाएं तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत ही वेल पुट टुगेदर बैलेंस लुक आएगा आपका। तो फिर मैचिंग पाइपिंग आप लें और स्लीव के बॉर्डर्स में लगाएं, अगर आप हाफ स्लीव सिला रही हैं या फिर 3/4 स्लीव सिला रही हैं तो फिर स्लीव में भी डालने की कोशिश करें तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा आपका लुक। आप सलवार में भी हेम में डाल सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। सलवार में जो है कमीज की पाइपिंग ले लें, प्रिंटेड वाली कमीज जो आती है उसकी पाइपिंग बना लें और जो है बॉटम की पाइपिंग बना के आप कमीज़ में डालें तो बहुत ही अलग सा लुक आएगा आपका। इस वीडियो में आप देख रहे हैं फ्रंट नेक डिज़ाइंस विथ पाइपिंग, लेकिन आप पाइपिंग सिर्फ फ्रंट नेक में नहीं बैक नेक में भी लगा सकती हैं। बैक नेक में आप सिमिलर पाइपिंग लेके जाएं और आप या आप अगर राउंड नेक बैक में लगा रही हैं तो फिर आप बना सकती हैं पीछे भी, और साथ में आप कटआउट्स दे सकती हैं या फिर डोरी बैक में लगा सकती हैं पाइपिंग के इस्तेमाल के साथ, तो बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही स्टाइलिश सा लुक आएगा, जो है ट्रेडिशनल भी लगेगा और क्लासिक भी लगेगा। इस तरीके का साइड कटआउट भी आप ट्राई कर सकती हैं पाइपिंग के साथ, बहुत अच्छा लगेगा, या फिर इस तरीके का हाफ कॉलर अंगरखा के डिज़ाइनिंग के साथ जो है वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा आपका नेक पैटर्न। इस तरीके का स्कूप नेक लाइन हाफ कॉलर के साथ भी आप ट्राई कर सकती हैं, या फिर पाइपिंग की बहुत सारे डोरी बना के आप इस तरीके का नेक लाइन भी ट्राई कर सकती हैं, या फिर इस तरीके का नेक लाइन डबल पाइपिंग का नेक लाइन जो है वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप अपने प्रिंटेड सूट्स को स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो फिर इस तरीके का पाइपिंग स्टाइल्स ट्राई कर सकती हैं। ये सारे पाइपिंग स्टाइल जो है प्रिंटेड सूट्स के ऊपर किए गए हैं, आप इनको ट्राई कर सकती हैं अपने प्रिंटेड कॉटन सूट के साथ, जो है बंधनी प्रिंट में हो या फिर फ्लोरल प्रिंट में हो या फिर कोई किसी भी तरीके का प्रिंट हो, आप उसके साथ बॉटम का फैब्रिक का पैचवर्क लगा के पाइपिंग इस तरीके के लगा सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। अगर आपका वर्क का सूट है, सिंपल सा एम्ब्रॉयडरी वर्क हो या फिर सिंपल से सेक्विन वर्क हो उसमें आपके सूट्स में जो आजकल बहुत चले हैं सिंपल वर्क वाले सूट्स, वो भी आप सूट्स के साथ पाइपिंग डिज़ाइन ट्राई कर सकती हैं। इस तरीके का जो है देखो आप एम्ब्रॉयडरी का सूट है ये, इसमें पाइपिंग का वर्क किया गया है, आप उसको भी ट्राई कर सकती हैं, या फिर इस तरीके का पाइपिंग वर्क वी नेकलाइन में किया गया है वो भी आप ट्राई कर सकती हैं। इस तरीके का बॉटम पैच डाल के भी आप ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा, या फिर इस तरीके का डायमंड पैच डालें तो भी बहुत ही स्वीट सा लुक आएगा। पाइपिंग के नेकलाइंस वैसे तो हर तरीके के फैब्रिक पे अच्छा लगेगा, लेकिन कॉटन पे सबसे बेहतरीन डिज़ाइन बनेगा पाइपिंग का। कॉटन फैब्रिक के साथ तो पाइपिंग अच्छी बैठेगी, आसानी से बैठ जाएगी। अगर आप स्टिचिंग के लिए न्यू हैं तो फिर कॉटन फैब्रिक ट्राई करें, कॉटन फैब्रिक के साथ पाइपिंग ट्राई करें, आपको अच्छा सा आइडिया आ जाएगा। फिर आप दूसरी फैब्रिक्स के साथ ट्राई कर सकती हैं, जब आपको पाइपिंग बिठाना अच्छी तरह से आ जाता है तब आप दूसरी फैब्रिक्स में ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
नेक डिज़ाइंस के हमारे सारे वीडियोस को आपने बहुत लाइक किया है, शेयर किया है, बहुत ही देखा है, इसलिए हम तरह तरह के नए नए डिज़ाइन के नेक डिज़ाइंस के वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। होप आपको ये वाला पाइपिंग वाला नेक डिज़ाइंस का वीडियो जो है पसंद आया हो। दोस्तों ये सारे लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं जो आप ट्राई कर सकती हैं और बहुत ही स्टाइलिश सा लुक दे सकती हैं अपने किसी भी तरीके की कुर्ती हो, कमीज़ हो या फिर ब्लाउज़ के साथ भी आप इन सारे पाइपिंग के डिज़ाइंस को ट्राई कर सकती हैं। डेली वेयर ब्लाउज़ जो होते हैं कॉटन के लिए, उन ब्लाउज के साथ भी आप इन तरीके के नेकलाइंस ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही सोबर सिंपलिस्टिक टाइप ऑफ लुक आएगा, सबटल लुक जो एवरीडे वेयर के लिए परफेक्ट रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।